नमस्कार। इस समय हम दामन मेडिकल कॉलेज के परिसर में हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं आती हैं, खास करके अगर बॉर्डर बेल्ट की बात करें, आरोसपुरा की बात करें, बिश्नाह की बात करें, अरनिया की बात करें, आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि जमीन जायदाद के पीछे कभी यानी देवर भाभी को पीट देता है, सास यानी कि सास ससुर को बेटा यानी कि उनका दामाद पीट देता है, आए दिन इस तरह की भाई भाई को पीट देता है, आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। आज फिर बिश्नाह के महमूदपुर के एक परिवार हमारे साथ है। दो दिन पहले की बात है, 19 तारीख की, कुछ लोग इनके घर में आते हैं, इनके पड़ोसी ये बताया जा रहा है, और ताबड़तोड़ इनके परिवार पर हमला करते हैं। इनकी सास है, इनके ससुर और एक छोटी बच्ची है, और इनके देवर भी है शायद, उन पर भी हमला होता है, एक छोटी बच्ची को भी बख्शा नहीं जाता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसके बाद ये लोग आज भी जरे इलाज है। आखिर क्या पूरी घटना हुई, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। मधु देवी जी समय हमारे साथ है। मधु जी, क्या हुआ, पूरी बात बताइए। मैम, मेरे हस्बैंड गए दुकान पे, तो वहाँ पे ही इनकी बीड़ी वगैरह में कोई बात हुई, तो वहाँ से कह रहे थे गालियाँ निकाल रहे हैं। जे उस टाइम घर पे आए, क्या करते आप? मैम, ये सेंटर फिटिंग का काम करते हैं, लेबर का ही करते हैं, तो ये घर पे आके बताने लगे कि मेरे साथ ऐसी वारदात हुई है। उनको तो, उनको जानते थे आपके हस्बैंड, क्यों उनके साथ झगड़ा हुआ? मैम, ये हमारे पड़ोसी हैं, अच्छी तरह पहले बातचीत वगैरह करते थे, आते जाते थे, कोई वैसी बात नहीं थी, तो इनकी वहाँ से ही बीड़ी वगैरह में हो गई है, तो उधर से ही घर पे आते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ इन्होंने गालियाँ निकाल रहे हैं, तो चलो हमारे साथ पूछना है। हमने कहा अभी नहीं जाना है, अभी उन्होंने खाई भी हुई है, अभी नहीं जाना है, तो कहने लगे ठीक है। वो छत पे चढ़ गए, तो हमारे घर में कुछ गेस्ट भी आए हुए थे, छत पे चढ़ के तो गालियाँ निकालने लगे, तो उधर से फिर बाहर आ गए। मेरे देवर जी ने कहा कि आप गालियाँ क्यों निकाल रहे हो, तो डायरेक्ट उन्होंने ना हमला ही कर दिया देवर पे, घर में आके गेट के आगे वो हमला किया। उन्होंने एक बैट लिया हुआ था, एक द्राट था कि, तो एक वो थी स्टिक वगैरह थी बड़ी, पता नहीं रॉड था कि स्टिक थी, डंडा था, क्या था। तो उधर से देवर को बचाते बचाते पापा गए, तो पापा को भी उन्होंने पूरी तरह से मारा। तस्वीर आप देख रहे हैं, जी 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 जी। तो पापा को बचाते बचाते मम्मी गई, तो उनको भी उन्होंने अच्छी तरह, मेरी बेटी को उठाया हुआ था, वो नीचे गिरी और उनको भी चोट आ गई अच्छी। बेटी 1.5 साल की है। तो मैम, अभी हम फिर बिश्नाह में गए, तो बिश्नाह में रात को आए, थोड़ी कार्रवाई की, वो कहने लगे सुबह, फिर हमें वहाँ से डिस्चार्ज मिला, तो रेफर किया गया, तो हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट हुआ, तो अभी तक उनमें से कोई नहीं आया, थाने में से कोई नहीं आया हमें पूछने के लिए कि आपके पेशेंट हैं, 3-4 पेशेंट हैं, इनको भी मारा हुआ था जी, इनको भी मारा भैया। पूरी मेरा जीजा मैं आ रहा तेरी लत बटी, कोई इन्ना फर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, आखिर मेरे को पैसे ना, मैं ला नहीं आखिर। फिर ओह्दे बाद मैं घर आया, मैं अपने डैडी सनाया एकड़ी गल, घर आई मैं जियां बाहर रोटी खाधी, मैं बाहर निकलिया, ये पिछू साढ़े घर इन्हें हमला करी गया, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं खेत बेटे थोड़ा दूर गया। ओह्दे बाद मैं जियां घर आया, घर कोई नहीं, उन्हें आखा तू ठाण की हिम्मत बड़ी जांदी कि किसी दे घर, मैं अगे जियां मैं अगे गया, ओह्दे डैडी ने मिगी मारना स्टार्ट किया, लेकिन उत्थे CRP दे जवान है जिहड़े, उन्हें मुझे आख्या नठो तू एक भाग गया बच्चे। फिर मैं थाने गया, थाने देखा, मेरे को नहीं पता था कि इनको मारा हुआ अभी। उन्होंने क्या किया, जैसे मैं थाने गया, उधर उनका डैडी भी बैठा था, एक लड़का और बैठा था उसके साथ, जैसे क्या उन्होंने बोला, पुलिस वाले ने बोला मैं डॉक्टरी कराता हूँ आपको, मैं चलो गया, मैं उधर डॉक्टरी कराने आगे देखा, इन सब इनको काट कूट के फेंक के चला गया, मेरे भी जान लगा था लेकिन मैं बच गया। आपको ही मारा? हाँ। मुझे क्यों, क्या जीत गया? मेरे को कोई पता नहीं, कौन सी कोई जीत नहीं है, कोई मेरे को कुछ पता, पहले कोई लड़ाई शड़ाई नहीं है, कुछ नहीं हुआ। आपके पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी। क्या क्या नाम है? एक का नाम है बलदेव, उसके पापा का नाम, एक का नाम है लाटी, एक का नाम है पम्मा, बस। क्यों ऐसा क्यों किया? मेरे को कुछ नहीं पता भी है, उसका नाम गुडी है। तो मैम, ये अभी 2-3 महीने पहले ये हमारे घर पे आए, तो अच्छी तरह गालियां गुलियां निकाल के, पत्थर वगैरह, वजह तो होगी ना, क्यों निकालते मैम? कोई वैसी वजह ही नहीं थी, हमारी हमारे साथ अच्छी बोल चाल थी, कोई वैसी बात नहीं थी, खाली खाने पीने पे उसी वजह से अच्छी तरह पूरा। जब हम हॉस्पिटल में आए फिर भी उन्होंने पत्थर मारे, लेकिन मुंशी ने उठा के ले गया था, थाने में रखे हुए पत्थर। और आज बोल रहे हैं, मैंने घर में फोन किया था किसी लड़के को, बोल रहे हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, आपको डर? हाँ, अभी डर है, उन्होंने बोला कि मेरा पार्ट हुआ है।
मेरे 3 बच्चे हैं मैंने कहीं छोड़े हुए हैं, कल की मैंने अपनी छोटी बेटी भी कहीं पे छोड़ी हुई है। अभी हम घर पे नहीं जा रहे, डरते कि वो फिर से हम पे हमला करेंगे, हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। हमारी हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उनको बेल मिल गई है, उनको बेल मिल गई है, वो अपने घर में आराम से बैठे हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे कोई पूछने नहीं आया कि यहाँ पे क्या है, कहाँ है, कैसे है। हम भी दिहाड़ी लगा के अपना पेट पालते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई अभी तक। मेरे ऊपर इतना लोड डाल दिया, मेरे ऊपर 7 पेशेंट डाल दिए। उल्टा हम पे कहा जाता है कि हाँ जी इनके बेटे ने ही अपने पे हमला किया, पापा और मम्मी पे, तो ये ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं। हमारे घर में ऐसा कोई नहीं करता। मैंने गरीब को खुदा की मार का सुना था, पर एक ही परिवार पे 4-5 लोगों को यानी जिम्मेदारी पड़ गई, बेड पे पड़ गए, किस तरह से दिहाड़ीदार लोग का करेंगे सर भाई, यानी ऐसा क्या था, हम भी जानना चाहेंगे वो क्यों इनके पड़ोसियों ने इस तरह से घर में आकर ताबड़तोड़ इन पर हमला किया, जिसमें 1.5 साल की बच्ची भी घायल हुई है। दिखा रहे तस्वीरें, उधर भी देखो ना, यहाँ पे पड़े हुए, वहाँ पे देखो, काफी सेंटर फिटिंग का काम करते हैं, खुद सोचिए इतने पेशेंट पड़ गए इनके सिर पर, किस तरह से सरवाइव कर पाएंगे, किस तरह से इलाज कर पाएंगे। गरीब हैं तो कोई भी आकर इनको कुछ भी करेगा क्या, इनकी सुनवाई नहीं होगी। हमने SHO भी विश्वनाथ से बात की, अभी जिसे अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया हुआ है। अब ये लोग परिवार डर रहे हैं, हम घर कैसे जाएंगे, फिर से वो लोग हमला करेंगे, अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो इनकी जिम्मेदारी किसकी है। हम पुलिस में भी कहेंगे ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी और पर इस तरह से हमला ना करें, किसी और पर इस तरह से जानलेवा उनकी यानी कि इस तरह से मारपीट ना करें। आखिर क्यों मारा ये हमें भी पता, अगर दूसरा पक्ष सुन रहा है तो आप आइए, आप भी बताइए क्यों मारा भाई इनको, इनका क्या कसूर था। आप भी अपने हमारे माध्यम से अपनी बात रखिए ना, प्रूफ के साथ। जैसे ये है, इनके घर वालों को तो पीटा हुआ है, वो हॉस्पिटल में अंदर जेरे इलाज चल रहा है, उनका इलाज चल रहा है, तो ये मजबूर होकर मीडिया के सामने आए, क्योंकि इन्हें डर है कि कल को घर जाएंगे ये लोग फिर से हमला करेंगे, किसी की जान भी जा सकती है। हमारा पूरा पुलिस है और विश्वनाथ के जो SHO उनसे भी निवेदन करते हैं, SDPO से भी कहेंगे कि इस केस में इंटरवीन कीजिए, अन्यथा ये ना हो आने वाले समय में एक बड़ी घटना बनकर सामने आए तो कहीं ना कहीं संभालना मुश्किल हो जाए। फिलहाल आपका क्या कहना, क्यों आज के दौर में लोग इंसानियत को भूलते जा रहे हैं, इंसानियत भी शर्मसार हो रही है ऐसे लोगों की हरकतों से। आए दिन भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, बाप बेटी का बना, बेटी बाप का बना हुआ है। समझ नहीं आ रही कि समाज को हम किस ओर लेकर जा रहे हैं। आखिर इन गरीबों का क्या, इस दिहाड़ीदार की कौन जिम्मेदारी उठाएगा, 4-5 जो मरीज है इनका कौन इलाज कराएगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। क्या वो लोग करवाएंगे जिन्होंने मारा है? देखते हैं पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। हम इस गरीब परिवार के साथ हमेशा हैं, हमेशा रहें, गरीबों के साथ हम हमेशा खड़े रहे हैं। आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आला अधिकारियों तक पहुंचे और कार्रवाई हो ऐसे लोगों पर जो धड़ल्ले से किसी के घर में भी घुसकर उनकी जान लेने पर तुल जाते हैं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।